नमस्कार विद्यार्थियों, लाल पावला संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शिशु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द। शिशु मीन्स बच्चा। तो देखिए, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओहो। ये विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो आइए, शिशु हु शिशु शिशु है, शिशुम शिशु शिशुन, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभि, शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्य, शिशोः शिशुभ्याम शिशुभ्य, शिशोः शिशवो शिशुना शिशौ शिशवो शिशुषु, हे शिशो हे शिशु हे शिशव। इस प्रकार से हम शिशु शब्द को याद करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे शिशु का मतलब होता है बच्चा, तो ये विभक्तियां हैं और इन विभक्तियों में मूल शब्द के साथ कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे शिशु, इसके मूल शब्द क्या होगा? बच्चा। शिशु का मूल शब्द बच्चा, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे। जैसे बच्चा, तो ने जोड़ेंगे बच्चे ने, शिशु द्विवचन आ गया तो दो बच्चों ने, द्विवचन शिशु, ये दो बच्चों ने, ये द्विवचन आ गया तो हिंदी में जो बच्चा लिख रखा है इसको भी द्विवचन में लिख करके ये कारक चिन्ह जोड़ देंगे, दो बच्चों ने। शिशव है बच्चों ने या बहुत सारे बच्चों ने। अब यहां पर को है कारक चिन्ह, तो ये मूल शब्द है, एक वचन में है शिशु, तो एक वचन मूल शब्द में जोड़ेंगे बच्चे को, शिशु दो बच्चों को, शिशु बच्चों। फिर करण कारक से के द्वारा, शिशु ना बच्चे के द्वारा या बच्चे से, शिशु भ्या दो बच्चों के द्वारा या दो बच्चों से, शिशु भी बच्चों के द्वारा। फिर को के लिए, शिशुवे शिशु बच्चे के लिए या बच्चे को, शिशु भ्या दो बच्चों के लिए या दो बच्चों को, शिशु भे बच्चों के लिए या बच्चों को। से पंचमी विभक्ति से अपादान कारक, शिशु बच्चे से, शिशु भ्या दो बच्चों से, शिशु भे बच्चों से। काके की, शिशु बच्चे का, बच्चे की या बच्चे की, शिशु दो बच्चों का, दो बच्चों की या दो बच्चों की, शिशु ना बच्चों का, बच्चों की या बच्चों की, शिशु बच्चे में या बच्चे पर, शिशु दो बच्चों में या दो बच्चों पर, शिशुषु बच्चों में या बच्चों पर। तो हे शिशु हे बच्चे, हे शिशु हे दो बच्चों, हे शिशु हे बच्चों। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।